अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर DR0172 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक रेडियस का एक डिस्क है, आर रेडियस का, और उससे एक स्मॉल पार्टिकल का मास टकराता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, वो पार्टिकल चूंकि सिमिलर मास के हैं दोनों, तो अगर सिमिलर मास के बीच में कॉलिजन होता है तो क्या होता है, एक मास दूसरे मास को पे लगता है और वो वहीं रुक जाता है और दूसरे मास को उसकी वेलोसिटी मिल जाती है। तो अगर हम देखें तो इसमें ये होगा मेरा, ये होगा, ये मेरा सेंटर होगा यहाँ पे, इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ से r बाई टू दूरी पे ये मास इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर ये यहाँ पे कहीं टकराएगा, अगर इसको यहाँ पे लें, तो ये मेरा थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये मेरा r है और ये मेरा r बाई टू है, तो मेरा थीटा 30 डिग्री आ गया। अब देखते हैं, अगर हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा तो किसके अलॉन्ग लगेगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग। अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन लगेगा तो किसके अलॉन्ग लगेगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग। तो अगर हम लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ के और अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन अगर लिखते हैं तो क्या होगा मेरा, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये मेरा इधर की तरफ है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, तो इसका एक कॉस कंपोनेंट इधर की आ जाएगा और कॉस 30 डिग्री है। तो अगर इसकी इसकी वेलोसिटी को अगर हम v मानते हैं तो v कॉस 30 डिग्री, और अगर हम लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग बात करें, हम सारा चीज बात कर रहे हैं अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, मीन्स लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग देखें तो ये दोनों का मास सेम है, तो मीन्स ये अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी इसको दे देगा। एक तरह से इस तरह से भी हम आंसर कर सकते थे, लेकिन हम दूसरी तरफ इसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से भी देख लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेरा क्या है, क्योंकि पूर्णतया ये इलास्टिक कॉलिजन है, तो हम इसकी वेलोसिटी वी डैश मान लेते हैं। इसके अलॉन्ग ये वाला पार्टिकल जो है इधर वी डैश वेलोसिटी से जाएगा अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अगर हम इसको इधर की तरफ लें तो ये मेरा कितना आ जाएगा, E=1, और ये मेरा क्या आ जाएगा, वी डैश बाई v रूट अंदर 3/2, तो मेरा v डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, v रूट अंदर 3/2। तो ये मेरा आ गया आंसर, जो कि मेरा c है।